थैंक यू स्मिति, हाय हाउ आर यू। एब्सोल्युटली फाइन सर, अब आपको देख के और भी ज्यादा मतलब निखर रहे हम लड़कियां, देखिए लड़कियां हैं। निकल जाओ बाहर, अपना काम करेगा। ओके, वी हैव अनदर प्रिटी लेडी, हमने तो काउंट ही नहीं किया अपने साथ इनको, बिकॉज़ एंजल बैठी है हमारे सामने सफेद कपड़ों में। ओह माय गॉड, हाय सुष्मिता, वेरी वेरी वार्म वेलकम। हेलो हेलो, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। वी आर इक्वली हैप्पी एंड मोर, ट्रस्ट अस। थैंक यू। एंड वी हैव विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माय शो ऑनिक एंड ऑन सुष्मिता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, टू बिगिन विद ये तो पूछना ही है कि मेकिंग द फर्स्ट एवर हिंदी मूवी फॉर द पैन इंडियन ऑडियंस, इट्स अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। 21 तारीख को पब्लिक चुम्मेश्वरी चुम्मा के साथ वेलकम करने वाली है। थैंक यू। किया आपने, वेरी गुड। क्या डिसीजन था पूछूंगी, उसके पहले इतना लेट क्यों? व्हाई आर वी सो लेट? नहीं, आप वक्त को तो चैलेंज नहीं कर सकते, वक्त को जब जो करना है वही करेगा, तो वक्त ने यही वक्त डिसाइड किया हुआ था। देखिए वक्त को लेकर कितनी सारी बातें बोल रही ना, क्या बात है, वक्त वक्त की बात है। और आज हमारा वक्त एकदम गोल्डन शाइन कर रहा है, बिल्कुल आपके चश्मे की तरह। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए, ये पूरी आइडिया, ये थॉट प्रोसेस कैसे हुई कि पैन इंडिया रिलीज करना? चल रहा था पिछले कई दिनों से चल रहा था। इत्तफाक से चंगेज की जब प्रेप चल रहा था, तो जैसे धीरे धीरे चीजें शेप अप करती गई, राजा का इस तरह का एक आइडिया ले आना 70s 90s, मिड 90s के अंडरवर्ल्ड बंगाल की जो अंडरवर्ल्ड स्टोरीज, अंडरवर्ल्ड था, कैसे काम होता था, कैसे कैसे लोग थे, कुछ रियल कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड भी हैं। देर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन द फिल्म, यू विल सी दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम सम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। एंड उसके साथ उसने एक अच्छी कहानी बुनी फिक्शनलाइज करके, और उसके बाद उसको स्ट्रक्चर करने के लिए और कहानी में थोड़ा सा अपना तड़का लगाने के लिए नीरज पांडे का भी जुड़ना हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब जुड़ती गई, ओनिक का म्यूज़िक में आना, कौशिक गुड्डू का म्यूज़िक में आना, रोहित रॉय का कास्ट में आ जाना, सारी चीज़ें मिला जुला कर वो एक डायरेक्शन दे रही थी कि हाँ ये हिंदी वाला और हिंदी वाली ऑडियंस को भी ये जा सकती है वहाँ तक, ये दिमाग में था ही। तो हम लोगों ने फिल्म बनते बनते सोचा कि हाँ ये एक ऐसा मेल्यू है, रैक्स टू रिचेस एक ऐसा जॉनर है जिसको यूनिवर्सली उसका एक अपील होता है। तो हमने सोचा कि उम्मीद करते हैं कि ये बंगाल का अंडरवर्ल्ड पहले किसी ने कभी दिखाया नहीं है, मैंने तो नहीं किया था। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नया एरा, नया वर्ल्ड, नई दुनिया जो हम लोगों को दिखाएंगे। और फिल्म तैयार होने के बाद हम लोगों ने ए फिल्म्स के अनिल थदानी को दिखाई फिल्म, उनको पसंद आई, और फिर सारा दारोमदार अपने आप आगे बढ़ता गया, और अब 21 के आसपास आ भी गए हैं। फिल्म रिलीज से कुछ दिनों तक की दूरी पर है, बस प्यार मोहब्बत बनाए रखें जैसे आपने बना के रखा हुआ है अब तक सोशल मीडिया में, सारे लोगों ने मीडिया में जिस तरीके से सपोर्ट, जिस तरीके से प्यार दिया है, बस हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म रिलीज हो जाएगी जब, तो इससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा ही है कि आज जो देखा है वो बस ट्रेलर है, खेल अभी भी बाकी है। सर इतनी डेप्थ के साथ बात करेंगे तो प्यार हो जाएगा हमको। करिए ना, हम तो चाहते हैं कि हाय
लड़कियों तुम लोग बाद में मार मार लेना मुझे, आई डोंट केयर. ये इतनी सब धस के बैठी यहाँ से जीत आ रहा है. अच्छा ठीक है, कौन सा लिपस्टिक, ये लिपस्टिक, वो चला. बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. थैंक यू सर. बट वी हैव एक्चुअली वी जस्ट वांट टू से दैट हम फाड़ के गाने भी बजा रहे हैं और डिजिटल स्पेस पे वी आर टोटली अपलोडिंग एंड यू मस्ट बी सीइंग हम सारे के सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, जितने भी टीजर से लेकर ट्रेलर तक एवरीथिंग वी हैव डन ऑन अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू. जबरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो मिला है. थैंक यू वेरी मच. इस फील्ड में, इस रोड में, वी विल कम टू बोथ ऑफ यू ऑल्सो, बट इस फील्ड में, इस रोड में जो आप आए हैं लाइक पैन इंडिया रिलीज के साथ, मी बीइंग लाइक एसेंशियली अ सिनेमा जॉक, एक रेडियो जॉक जो सिनेमा से रिलेटेड हूँ, मैंने हमेशा सब डायरेक्टर्स, वो चाहे बुम्बा दा जब आए उनको मैंने पूछा, इंद्रदीप दा जब आए उनको मैंने पूछा, सबको मैंने पूछा कि भाई वाई नॉट वी मेक अ फिल्म जेटा इज ऑल्सो फॉर द पैन इंडियन ऑडियंस, because this is the time we have to take our Bengali film to the Indian audience, right? तो ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली और जरिया शायद हम लोगों को मना दिया. क्या बात, कौन पप्पी ले रहा जाकर. एक तो आगे बोल चलो मोड़ जाओ जी दर जुन्नो कान्ना कड़ी कोड़े ची ऐसे होने हाथ पक आप चले रिकॉर्ड करते की. सुष्मिता वेलकम टू यू. कैसे शुरुआत हुई, कैसे मिला ये फिल्म? दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग विद अ सुपरस्टार. यस, आई एम वेरी 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 नर्वस. डे वन आल्सो आई वाज वेरी नर्वस, नाउ आल्सो आई एम वेरी नर्वस, इन फ्यूचर आल्सो आई विल बी वेरी नर्वस. दैट्स द थिंग, दैट्स हिज ऑरा, यू नो. थोड़े कॉन्फिडेंट बनो. ओह माय गॉड, आपके सामने नहीं हो सकता ना सर. नहीं, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बोलती है ऐसे. वो देखो देखियो सब समझ जाते हैं. वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वो नहीं, जो वो नहीं जानते. एंड ही इज लाइक सुपर्ब, सुपर्ब. कुछ नहीं है, ये बेवकूफ लोग सोचते हैं कि वो सब जानते हैं. ऐसा कोई नहीं है. लेकिन हाँ, मैंने शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल विद बिग ड्रीम्स एंड वो सीड मैंने, हम लोगों ने देखा था सबने, हम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, इसमें ये बात है. So how did this entire thing happen? Who approached you? What was the first time conversation that you had with sir? जब आप पहली बारी मिले. हाँ जी. So this is very beautiful. तुम चाहो तो भी बांग्ला में बोलते पारो all of us because of course no chap. So this is very beautiful experience because I'll tell you something. So for the first time I met sir was like there was a shoot. Okay, there was a shoot going on and I was not the part of that shoot, but his shoot was going on. So I was there. In that location, I was there and I was somehow hiding myself. डर लग रहा था, मतलब होता है ना, वो सुपरस्टार है. वो लोकेशन के कर्टन थोड़े खराब थे, वो साफ करने आई थी. अच्छा हुआ ना, मेरा ही तो अच्छा हुआ ना. So I was there. Suddenly he noticed me. Someone is like ऐसे पीकअबू होता है ना, ऐसे करके देख रही थी, झांक रही थी, ठीक है. तो उन्होंने नोटिस किया. So then we had a conversation and it was very nice and he told me that time only that I have a feeling we are going to work together. Again after a few months we met in an event. There we met and again unhi ki film ki premiere thi aur uske baad there also he told me the same thing. To mujhe laga, he said that I think we are going to work together. So mujhe laga ki wo superstar hai. वो जो बोल रहे हैं कि मैं कैसे बिलीव करूं, हाउ विल आई बिलीव दिस, आई एम इन शॉक, लाइक हाउ विल आई बिलीव दिस, नॉट इट कांट हैपन, इट्स लाइक आई कैन ट्रस्ट दिस. उसके बाद सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस एंड द डायरेक्टर एंड ऑल्सो आफ्टर दैट ऑल्सो हिम बिकॉज ही विल नॉट रीच यू डायरेक्टली राइट, बट देन फर्स्ट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस एंड इट वॉज लाइक वी आर डूइंग दिस एंड दे कॉल्ड मी एंड वी हैड दिस मीटिंग एंड आई वॉज लाइक वॉट. I was totally shocked. I am opposite to Jeet sir. Are you serious? I didn't sleep that night. Okay. So it was very difficult for me to actually believe it. But God has been kind and I am very thankful to sir and each and everyone. Because this is a very great time in my life. I am very happy. Having the best days of your life. Yes. All yes. Thanks to sir, Jeet sir. Yes. She was destined to be here, I think. Yeah, because you know, I didn't believe him, but I'll just mention this that I didn't believe him, but he's a man of his own words. क्या बात है? He just told me that we are going to work together. Finally, now see where we are. जो मैं चोर चाय वाय दो जरा इसको. सच बोल रही हूँ सर. Thank you. प्यार से सर बोलते हो आप उनको? हाँ. पूरे फिल्म के शूटिंग के टाइम में सर बोला? हाँ.
ऐसे कैसे, मतलब फिर केमिस्ट्री जमी कैसे जब रोमांटिक सीन भी नहीं हो रहा है? ऐसा स्टूडेंट का रोमांस होता है क्या? ऐसा होता है? आपने सुना नहीं है क्या? नहीं, हमने तो कभी कहानियां बन चुकी है। हमको बताइए फिर, गॉसिप हम चाहते हैं कि आप मुंह खोले और बताएं कि चल कह रहा था सेट के टाइम। हम तो बहुत प्यार से सर, ये जीत दा और जीत सर में कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कहा कि जीत ही बोलो, बट उन्होंने चुना कि नहीं जीत सर ही बोल रहे हैं। मैं जीत नहीं बोल सकती और जीतदा मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, तो अनरोमांटिक भी है। सो आई थॉट आई डिसाइडेड फाइनली एंड आस्क्ड हिम। सो आई, आप बताए ना, जीतदा और जीत सर में आपको कौन सा ज्यादा रोमांटिक लग रहा है? जीत तुम्हें जीत लेंगे, जीत तुम कहीं भी जाओ तुम्हें जीत के लेके आएंगे। आप लोग जब बाहर जाइए मुझे थोड़ा रोमांस करने के लिए। आज तो फिर उसके बाद मुझे चाय नहीं हजम होगी अदरवाइज। बिल्कुल व्हाट फन, ये हमको बहुत अच्छा लगा, हमको टॉपिक मिल गया, गाड़ी में बैठ के चलेगी। बिल्कुल नहीं, नहीं, ये मुझे पहले से पता है। 14 साल बिता लिए हम बॉलीवुड के साथ, हम सबको जानते हैं। आइए वेलकम है आपका, स्वागत है पूरी दुनिया में। अनिक बाबू तुम्हारे तो अनेक पार्टी गुलो जाए देखे जी, हमारा वही पब्लिक जेमन हो ना, वो एकदम भीड़ भाड़ में लगे हुए हैं पार्टी में एकदम। कैमरा शो बोलो, खूब भालो, तुम क्या? सुपर, थैंक यू सो मच। आगे भी बढ़िए, यही पूछे जा रहे हैं कैमरा, तारीफ करके थोड़ा बनाना पड़ता है, मोमेंटम बनता है ना। आप करिए, तो लेट्स टॉक अबाउट विद डॉग, why this name and of course we know, we were just searching for the meaning, honestly hame nahi pata tha. Main vita ka matlab pata hai na aapko, true gangster. True gangster, yeah. So OG matlab sapne mein hai, sapne mein matlab bolne ke liye ye kya hua, main aapko bolu, ye ittefaq aisi baat hai, acche bole gaya. Ha, dada ke sath jab baat hui, ye gana jo hai vita jo aap sun rahe ho abhi, chingiz ka ye ek title, ek theme, whatever you say it, ke we had to create a track which sets the vibe, you know, the look and feel of chingiz, ke jab ye poster aaye ya koi teaser aaye तो एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, क्योंकि लोग काफी दिन से सुन रहे हैं कि चंगेज आ रहा है, चंगेज आ रहा है, व्हाट इज चंगेज ऑल अबाउट, लाइक क्योंकि लार्जर देन लाइफ फिल्म्स तो काफी देख चुके हैं लोग, बंगाल में पहली बार वो भी दादा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो असर होना ही है, और भगवान का आशीर्वाद से जो असर हुआ है अभी आज के तारीख में बोल रहा हूँ, इट्स हार्ट, यू नो, हार्ट वार्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि वी आई डोंट नो, गॉड इज ग्रेट, कि इतना बड़ा जो रेस्पॉन्स है, एंटिसिपेशन है मूवी का, वो इस लेवल पे है। तो जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे ये, एंड आई टेल यू समथिंग, के दादा हैड बीन अ गाइड टू मी, लाइक अ मेंटर, व्हेन आई वाज क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड आई वाज जस्ट मेकिंग सम ट्यून्स ऑन अ पियानो एंड सेंडिंग हिम कॉन्स्टेंटली, ही वाज लाइक ए वॉक सम मोर, सो वी केप्ट ऑन डूइंग दैट टिल वी फेल्ट दैट यस वी हैड, यू नो, क्रैक्ड अ ट्यून और क्रैक्ड अ फील, जो वहां पे वो चंगेज का जो ग्लैमर है और जो ऑरा है वो थोड़ा सा उभर के आए। तो things happened like that, ke I don't have the exact, you know, words to express, but these things happened like this only. Later on I got Pranjal who wrote the Bengali version and Panchi ji jo Hindi version itna badhiya likhe hai, kyunki jo words bhi hai, I presented 2-3 drafts to dada also, so he chose the words. Ek ittefaq hai, ye chuk gaya bolna abhi tak, ki vidda shabd ko bagair jaane hi rakha gaya tha. Is it? You have to tell me a story about this. So vidda mane emni era sundor shobdo vidda hai, it was sinking well meter e boshilo bhalo jokhon composition ta toiri korechilo, তখন আমরা বিড্ডার বদলে বিভিন্ন রকমের শব্দ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম, যাতে ওই দ্য ক্যারেক্টার অরা, ক্যারেক্টার লার্জনেস, এই সমস্ত জিনিসগুলো যাতে বের করতে। Yeah, then book. Suddenly one day he called and he said ki, you know dada, like vidda in English it means a true gangster, so he just googled it and he checked, so we don't have to replace, look for another word, because vidda as it is speaks about like a true gangster, it speaks in volume about Chengiz and his aura. So we googled it and we saw, yeah, a true gangster. That was like a, so we were so relieved, moment for me and dada, because we were like, our brains were 90% of the brains were occupied ki kya yahan pe baithe, kyunki jo scratch bana tha la 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 da da ra 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 ऐसा ऐसा गया, और हुक लाइन में पता नहीं मेरी जुबान से विड्डा था, ऐसा ही था। तो व्हाट इज विड्डा, मैंने हम लोगों को भी ये पता नहीं था, क्योंकि वो
पता नहीं मेरी मुंह से कैसे तो माँ सरस्वती ने दे दिया उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहाँ पे बैठा वो विड्डा, तो अचानक आई वाज लाइक रात को आई स्टिल रिमेम्बर कि वी वर वर्किंग ऑन द बंगाली लिरिक्स विद प्रांजल हैड कम ओवर टू माय प्लेस एंड रात को जब वो निकल गया तो आई वाज लाइक दादा को सुनाया अंतरा, दादा को थोड़ा पसंद आया, थोड़ा सा चेंज जैसा होता है क्योंकि इट्स वेरी आई टेल यू इट्स वेरी टफ टू सेटिस्फाई हिम एंड वन गो लाइक इफ यू आर दैट लकी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग बट ठीक है। आई मीन एगुला मन लेसन मनी ये सबसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। खैर आई विल कम टू द पॉइंट कि आई वाज जस्ट यू नो लाइंग ऑन माय बेड एंड जस्ट गूगलिंग कि विड्डा का स्पेलिंग्स में कुछ ट्राई कर रहा था कि क्या स्पेल मैं करूं कि लिरिक्स में अगर डालना है तो WIDDA जैसे मैंने हिट किया तो वो मोमेंट पे I had like you like I just jumped on my bed and oh my god Vidya is a true gangster and I'm walking on a gangster. It was made for you. Yeah. And lot of people doesn't know the me even I also did not know. Honestly, none of us know. सारे confused हो रहे थे हमने हमारा Google खोला. And it's English word, yeah. और तापोर देखला मैं true gangster. Yeah. Wow. And I took a screenshot and sent to Dada at 12:30. Dada, I've got it. This is Vidya. Oh my god. But वो एक बड़ा big inspirational moment था गाने को crack करने के लिए. Yes, we are going ahead with the song. क्या बात. हुआ ना magic. अरे मैं भी बोली है फाइनल टच फाइनल इट्स मैजिक इट्स मैजिक। चलिए लेकिन विड्डा गाने के साथ हम फिनाले करना चाहते हैं आज के इस पूरे चैट सेशन का। फिलहाल तो हम बातें करना चाहेंगे तेरी मेरी बातें के बारे में जो हिंदी वर्जन है संजीव भावे के डाके बांग्ला वर्जन है। करेक्ट बिल्कुल सर। हम तीनों ही गाने बजाएंगे। आप आज यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी ना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। आप बोले पुराने गाने भी लगवा दे क्या आज आपके जाने के बाद भी अभी चेंजेस करते हैं फिर आएंगे ना बाद में पहला वैशाख रिलीज ईद के बाद। चार साल लगा दिया सर आपने आने के लिए 3-4 साल। अरे मैं पार्कशीट में घूम रहा था पता चला कि आप लोग शिफ्ट कर चुके हैं वहां से। ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं आप देख लो फिर बॉस ये ना बोले कि तुम लोग को हम काम देते हैं लॉजिक वाला और तुम करते हो इधर उधर का काम। केयर ओके सो वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट बिट ऑफ दिस सॉन्ग। संजीत हेगड़े साहब को इगड़े इगड़े कैसे ये गाना क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जी देखिए बंगला गाना अरिजीत ने गाया है जी बिल्कुल। ये म्यूजिक कौशिक गुड्डू का सवाल हम सभी के दिल में कौशिक गुड्डू का है ये म्यूजिक बिल्कुल। तो इधर नहीं देखते अभी फिलहाल आपसे तो सवाल कर ही सकती हूँ बिकॉज ऑल ऑफ अस वर रियली क्यूरियस because we love Arijit Singh also. इन्होंने कमाल गाया इस गाने को no second thought about it. We love others also but we love Arijit Singh. तो ये सर अरिजीत सिंह की आवाज में क्यों नहीं है गाना? अरिजीत is a little tied up with shows and other commitments so he could not manage time. I had like elaborated discussion with him. He was so apologetic about the entire thing कि एतो शोज आछे एतो टाइम नहीं एखन आमी पारबो ना बट परहैप्स इफ ही कैन मैनेज देन पड़े ओ गाइबे। सो जखन ओ जखन समय दिते पारछिलो ना एंड आमादेर रिलीज 21st लॉक हो गेछिलो ईद एवरी ईयर वी ट्राई टू गेट अ रिलीज अराउंड ईद तो देन वी थॉट ऑफ व्हिच अदर वॉइस बिकॉज़ इट्स अनेक उचू ते गावा गानटा या सो we discussed and then lot of names finally we thought that this guy Sanjeet Hegde he can bring in a lot of freshness and he's very popular down south not much explored in Hindi belt so we got him aur bechara ektu oshubidha hochhilo to get the accent right but he worked very very hard and getting into Arijit's shoes that is quite a challenge for anyone today in India absolutely and I think like people are liking it they're loving his voice also we are so happy about it kya baat hai fantastic I think it's also the humble man speaks ki naye logo ko jo chance aap de rahe hain it's a great thing it will be puchiye na कैरी मुझसे पूछिए एक साथ 3-4 सवाल पूछ लिए नो नो ही लव्स टू लॉन्च टू सी न्यू टैलेंट ही इज वेरी मच फॉर दैट ही इज वेरी मच। इटा बोलो तो टेढ़ी मेढ़ी बातें कुछ कोनो बातें जो हुई है जो पब्लिक में हम बताना चाहेंगे कुछ गॉसिप कुछ मसाला बहुत कुछ होती कैसे बता दूं अंदर का मामला क्या बात है क्या करें गाना फिर प्ले कर देते हैं प्लीज प्लीज फिर हम लोग ऑफ एयर बात करेंगे इसके बारे में पब्लिक को नहीं बताएंगे हम पब्लिक को ही बताएंगे सर छोड़ेंगे जरूर जरूर पब्लिक को बताना पब्लिक को सब पता चल जाता है बिल्कुल 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी फ्रेंसी पर विल बी राइट बैक लेट्स एंजॉय दिस अमेजिंग सॉन्ग तेरी मेरी बातें तेरी मेरी बातें